असल में हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज परखेंगे जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदन पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में महाभियोग कितने अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 61 में वर्णन है, और ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लेकिन महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, और यह नोटिस उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करने के दायित्व को निर्वहन करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, और निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे, और अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन है जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन बी होता है, कर का भुगतान करना। विकल्पों में से कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया। किससे? रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्य जो है भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद कितना में वर्णन है? यह अनुच्छेद 51A में, 51A में रखा गया है। यह स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में भी कितना है? 11 हो गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में अनुच्छेद कितने में वर्णन है? ये अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। वर्तमान में आर वेंकटरमणि भारत के महान्यायवादी हैं। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 129 के बारे में, तो यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय में होने का प्रावधान करता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय आदेश को साक्ष्य या प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, और अनुच्छेद जो है 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की संबंधित है, और अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने को राष्ट्रपति के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी बंध पत्र की बिक्री। सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण सरकारी बंध पत्र की बिक्री है। सरकार को ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय परिस्थिति की मात्रा कम हो जाती है, उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। बजट घाटा क्या है? तो सही जवाब है, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता बजट घाटा है। सरकार जमा आय के 12 बराबर राशि खर्च कर सकती है, तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। अगर ज्यादा
खर्च करने की जरूरत सरकार को पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करता है। अगला है राजस्व क्या है, राजस्व जो है राजस्व व्यय क्या है। सही आंसर हो जाएगा दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि को क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है, और इसका सही आंसर होगा सी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए इसे ऋण में वृद्धि नहीं होती है। ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशियां सरकारी बजट में गैर पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। अगला है बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रंजन दास को जाना जाता है। और सुभाष चंद्र के बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो चित्रंजन दास थे। वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना किया गया था, तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की प्रस्ताव लाहौर में पारित किया गया था। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। अब मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसके उपरांत बिहार बंगाल पंजाब और अन्य प्रांतों में गंभीर दंगा भड़के थे। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में सॉन्डर्स हत्या एवं बम निर्माण गतिविधि में दोषी के आधार पर 23 मार्च 1931 को सुखदेव एवं राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी। अगला है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में अवस्थित है। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा किया गया था। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर 21 से देखिए 24 प्लस 3 किया गया है, 24 से 29 जो है प्लस 5 किया गया, 29 से 36 प्लस 7 किया गया है, 36 से 47 प्लस 11 किया गया, और 47 से अब क्या होगा प्लस 13 किया जाएगा, हो जाएगा 60। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 8 128 और 9 162 के संबंध देखना है, अगर 128 भागा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 को लिख सकते हैं 8 × 2। इसी तरह 162 भागा 9 है तो इसे कितना हो जाएगा 18, इसे लिख सकते हैं 9 × 2। उसी में से अगर हम 392 को भागा 14 करते हैं तो ये हो जाएगा 28 बार में 28 को लिख सकते हैं 14 × 2, यानी हमारे पास जो आएगा कौन सा, तो ये 14 392 आ जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, और इसमें सही जवाब जो है ऑप्शन बी टोटल कितने हैं 11 त्रिभुज हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम्स बताना है कॉन्डोन का। कॉन्डोन का मतलब होता है क्या होता है, माफ करना, क्या होता है माफ करना, और इसका सिनोनिम्स होगा फॉरगिव होगा, एक्सक्यूज होगा, इग्नोर होगा, यानी फॉरगिव इसमें कौन सा है, तो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है वो सही है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम ऑन द बैक बर्नर, ऑन द बैक बर्नर, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा इसका अर्थ है कम प्राथमिकता होना, कम प्राथमिकता होना। आंसर होगा टू टेम्पोरेरली नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल, इसमें बताना है कि इनकोरेक्टली स्पेल कौन है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा गवर्नमेंट जो है वो गलत है। ये गवर्नमेंट को हम लिख सकते हैं कैसे, GOVERMENT। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, द गार्डेनर सेड दिस रोजेज विल ब्लूम ईयरली, और इसका जो हो जाएगा
क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, द गार्डनर सेड दैट दोज रोजेज वुड ब्लूम ईयरली। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फास्टन के एंटोनिम्स बनाना है। 21 नंबर के जो फास्टन है उसका मतलब क्या होता है, जकड़ना, क्या होता है, जकड़ना या बांधना होता है। और इसका एंटोनिम्स होगा क्या होगा, रिलीज करना, क्या होगा, रिलीज करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है प्रत्येक स्थिति में, सुख दुख में। और इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही ऑलवेज हैड ए क्लोज खाली स्थान विथ हिज ग्रैंडफादर। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एफिनिटी, क्या हो जाएगा, एफिनिटी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एफिनिटी, क्लोज एफिनिटी विथ संबंध, किसी से काफी ज्यादा लगाव होना होता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड, ब्रेक और फॉल अपार्ट इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिट्रियोरेशन। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, क्रम्बल, क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रम्बल। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा होगा, तिमिर शब्द का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आलोक, तिमिर शब्द का विलोम होगा आलोक। ईश्वर को नाम मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नास्तिक होता है। और ईश्वर में विश्वास करने वालों के लिए एक शब्द है, आस्तिक होता है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा डी, अजर अमर है, बोलते ना अजर अमर है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए जो शब्द होगा प्रयोग उसे अजर, जो कभी मरे नहीं वो अमर हुआ। युवा या युवती होने की अवस्था के लिए एक शब्द है यौवन, रोष से भरा हुआ के लिए एक शब्द है रोष्ट। शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण होता है, क्या होता है, कृष्ण होता है। आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचना कर की, आह वेदना मिली विदाई, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त में ये पंक्तियां वर्णन है। जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त नाटक प्रौढ़ नाटक की श्रेणी में आता है। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, नेत्रहीन शब्द में, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। तत्पुरुष समाज में कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है, त्रुटिपूर्ण वाक्य है, सही जवाब हो जाएगा बी, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, क्या हो जाएगा, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय। वाक्य एक और वाक्य छह के मध्य वाक्यों का उचित क्रम क्या हो जाएगा, उचित क्रम जो है क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा कौन सा, किस दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, इतने लोकप्रिय रहे कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते थे और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम का छोड़ देते थे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है, यदि यह क्रमशः एफ बी, एफ जी और एफ आर है, तो निम्न में से कौन सा सही है, तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। बैंगनी रंग के प्रकाश अभिसारी लेंस द्वारा कम दूरी पर लाल रंग के सापेक्ष फोकसित होता है, जिसका फोकस जितना अधिक दूरी पर होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी। आपके तीन प्रतिरोधक दिया जा रहा है जिसका प्रतिरोध आर है, इसके कितने महत्तम संयोजन किए जा सकते हैं जिसके हर बार भिन्न तुल प्रतिरोध जो है वो प्राप्त होंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कितने, डी, चार होंगे। कौन कौन से हो गए, चलिए आइए यहाँ पर फिगर पे देख ले, एक तो पहले तीनों को हम सीरीज में लगा देंगे, दूसरा कंडीशन होगा कि तीनों रेसिस्टेंस को क्या कर देंगे, पैरलर में यूज करेंगे, क्या है, तीनों को पैरलर में यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा कंडीशन होगा, दो हमारे पास जो है वो सीरीज में होगा और एक जो है उसे पैरलर में यूज कर देंगे। और चौथा जो हमारे पास जो आएगा, एक सीरीज में है उसी से जुड़ा हुआ जो है दो पैरलर होगा, यानी हमारे पास चार कंडीशन आएगा। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहां वैद्युत विभव भी क्या होता है,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर हो। निम्न में कौन सी गति स्थान समय संबंध का समीकरण है, और इसका सही जवाब है डी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। वैद्युत हीटर को हीटर तारा किस प्रकार के पदार्थ का बना होता है, वैद्युत हीटर में हीटर तार है जो किस प्रकार के पदार्थों का बना होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का बना होता है। वैद्युत हीटर का तार जो है किससे बना होता है, वो बना होता है नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम निकेल तथा क्रोमियम का बना मिश्र धातु होता है। निम्न में कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वह अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसकी फोकस एफ और वक्रता त्रिकेंद्र सी के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा। सही जवाब हो जाएगा सी, सी से परे और कहाँ बड़ा होगा। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा उत्पन्न उष्मा के। सौर पैनल में किस ऊर्जा को जो है ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। सौर पैनलों से टकराने वाले फोटोन अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और सेल के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को कंडक्टरों के उचित जुड़ाव के साथ पूरे को विद्युत सर्किट में प्रवाहित होता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1761 ईस्वी में। 14 जनवरी 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को भारी पराजय किया था। पानीपत की तीन युद्ध लड़ा गया था, सबसे पहला जो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, दूसरा लड़ा गया 1556 ईस्वी में, और तीसरा जो लड़ा गया था 1761 ईस्वी में, तो ये ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष खालिस्तान में किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई विशेष बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए नारा दिया था, करो या मरो का, और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी समेत भारत के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्नलिखित में किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है वहाँ ये खेला गया था। इसमें भारत ने जीत दर्ज किया था, किसके विरुद्ध, तो श्रीलंका के विरुद्ध। कप्तान उस समय कौन थे, तो उस समय कप्तान जो थे महेंद्र सिंह धोनी। क्या था, कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात है। गुजरात ने 1965 में शराबबंदी शुरू की थी। केरल राज्य जो है 2014 में पूर्ण शराबबंदी घोषित की, और बिहार में शराबबंदी जो है कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत के संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है, सही जवाब हो जाएगा ए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ है, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। राज्यसभा में निम्न राज्यों के सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद जो है वो बिहार की बारी आती है। भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा, 1 और 2, लोकसभा और राज्यसभा। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वर्सेशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो हमें सही है, तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो CITES जो है, CITES सरकार के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधे के नमूनों जो है के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो, तो ये जो हमारे पास है वो बिल्कुल सही है, पहला जो है वो बिल्कुल सही है।
दूसरा है सीआईटीएस के तहत पौधे और जानवरों के नमूनों और उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। अगला है कन्वर्सेशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है, सही है। यह जीवित जीवों के नमूनों को स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है, ये भी हमारे पास जो है वो सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। आंसर होगा डी, बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्ति को किया गया भुगतान होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च के बीच निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष, जो कब से है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च के बीच निर्धारित किया गया है। अगला है बैंकिंग में ब्याज शब्द क्या अर्थ है? बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त जो है धनराशि। बैंक दर का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है। ATM का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन कई बार पूछ देता है WW का, ध्यान रखिएगा इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब होगा। अगर HTML का पूछ दिया तो हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 3:4:5 है, इसका परिमाप 24 मीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब माना कि त्रिभुज की भुजाएं कितना है, 3x है, 4x है, 5x है। त्रिभुज के जो भुजा है वो ट्रिपलेट है, तो त्रिभुज जो क्या है समकोण है। तो परिमाप बराबर होगा सबका जोड़ 3x + 4x + 5x। परिमाप कितना दिल है 24, बराबर ये हो जाएगा 12x। x का मान हो जाएगा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 × 3x × 4x। एक्स के जगह पर मान रख दीजिए 1/2 कितना है 3x, x माना 3 × 6 और 4 × 2 = 8, यह हो गया 3, 8 = 24, 24 मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा पी। एक नाव की धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर की दूरी पर 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी 13 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? तो धारा की दिशा में नाव की चाल जो है 65/5 = 13 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 65/13 = 5 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में नाव की चाल कितना हो गया, 13+5/2 मतलब 18/2 यानी 9 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा बी। 3 संख्याएं 5:2:7 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 3822 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो माना कि एक 3 संख्या जो 5x, 2x और 7x है। प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5x, 5x² + 2x² + 7x² = कितना हो जा रहा है, 3822 हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 25x² + 4x² + 49x² = 3822। 78x² = कितना हो गया, 3822। x² = हो जाएगा 49/7² यानी x = कितना हो जाएगा, मान 7 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगा, 7x, 7 × 7 = 49। सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए एक दिया हुआ है कि उसे सरल करना है, क्या है, एक दिया हुआ है व्यंजक उसे क्या करना है, सरल करना है, मान निकालना है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2+7 / ये हो जाएगा 1+3+3 यानी 7/7 = 1। आंसर हो जाएगा डी। यदि कोसेक थीटा बराबर 1.7/22 तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 29/22 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा 29/22² - 1, ये हो जाएगा 357/484। आंसर होगा सी। बीजीय व्यंजक 2x² - 32 का मान खाली स्थान के बराबर होगा, इसे लिख सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, x² - 16 हो जाएगा,
फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ एक बार घटाओ। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। बिंदु ए 2, 5 और बी 6, 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब फार्मूला होता है ये लग जाएगा, अंडर रूट जो है एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन के होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट जो है वो 6 - 2 के होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 के होल स्क्वायर, अंडर हो जाएगा 25 - 5। सही आंसर होगा बी। समानांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः -8 और 10 है, तो 16वां पद क्या होगा? तीसरा पद जो हमारे पास है वो क्या है? तो वो है -8, यानी a प्लस 3 - 1 इंटू डी बराबर क्या है? -8, यानी a प्लस 2d बराबर हो गया -8। इक्वेशन एक आ गया। उसी प्रकार नौवां पद है जो 10 है, यानी a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये दूसरा है। पहला और दूसरा को हल करेंगे तो यहाँ से d का मान जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब a पे रखेंगे a प्लस क्या होगा 2 × 3 बराबर -8, a बराबर हो गया -14। अब a का मान निकल गया, tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यानी टी 16 बराबर हो जाएगा a प्लस 16 - 1 इंटू डी, यानी a प्लस 15d हो जाएगा, a प्लस 15d। आइए मान रखते हैं a का मान -14 प्लस 15 × d के मान 3, सोल्व कीजिएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मोनोमर क्रैपोलैक्ट को किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? मोनोमर क्रैपोलैक्टम को किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन 6। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था और इसका निर्माण जो सर्वप्रथम किया गया था 1935 में किया गया था। निम्न में कौन उभयधर्मी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, SNO2। SNO2 जो है उभयधर्मी है। अवर्त में तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति क्रम में धीरे धीरे प्रबल क्षारीय से प्रबल अम्लीय हो जाती है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, CnH2n-2। अगर हम एल्कीन की बात करें तो CnH2n+2 होता है, एल्कीन के CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न अभिक्रिया में क्या होता है? SO2+2H2S3S+2H2O। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी, सल्फर का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हुआ है। C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में कौन से बंधन होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक त्रिबंध या 2 द्विबंध होगा। निम्नलिखित में कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो हो जाएगा डी, केवल एक, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, पेयजल को कीटाणु मुक्त। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaSCO3 होता है। इसका उपयोग होता है सोडा एसिड अग्निशामकों में प्रत्याम्ल यानी एंटासिड में एक घटक के रूप में केक बनाने के लिए होता है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एक तरफ क्रियात्मक समूह, एक तरफ समूह का नाम है। COOH जो हो जाएगा वो कार्बोजेलिक अम्ल हो जाएगा, सी हो जाएगा। RCOR जो है वो कीटोन का ग्रुप है, COOR जो है वो एस्टर का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। डुब्रॉय ने 3 तत्वों को किस प्रकार से एक ट्रिक में व्यवस्थित किया था? तो हो जाएगा उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। बोला था कि अगर Li का 7 है, Na का 23 है, K का 29 है, तो डुब्रॉय का ट्रिक जो था Na बराबर जो हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा 7 + 39 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K का जो मान होता है वो कितना होता है? तो K मान होता है क्या हुआ, K का परमाणु द्रव्यमान 29 में 39 होता है, तो 7 + 39 से भागा देंगे 2, तो ये Na का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संश्लेषण एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, युग्मनज कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में सम्मिलित से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह में। लेह लद्दाख और राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा भारत में होती है। निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का झील। और चिल्का झील ये कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है। और केसरिया स्तूप जो है वो पूर्वी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डी कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है वह भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ए श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MM किरावानी। कौन कौन? MM किरावानी है। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजस्थान राज्य से शुरू किया गया था। कौन से? राजस्थान राज्य से। कब शुरू किया गया था? तो 2000 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा फिलोमेन यांग। कौन है? फिलोमेन यांग। और डेनिस फ्रांसिस जो है वो 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी कामी रीता शेरपा ने। IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान हाल ही में निम्नलिखित में किसके द्वारा आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RBI के द्वारा। वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान हाल ही में RBI के द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक 2016 में हर साल वित्तीय सहायता साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है √3/4a² होता है, यानी √3/4 × 24 × 24 144√3 cm². आंसर होगा डी। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी 4a/2 × l+b, 4a/2 × 10+8, 4a/36, तो a/9। वर्ग का क्षेत्रफल a² यानी 9/81 cm². आंसर हो जाएगा सी। एक द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योग 4 और गुणनफल जो है वो 5 होगा। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है x² - मूलों का योग × x, यानी 4x + मूलों का गुणनफल 5। x² - 4x + 5 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 अंक के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। 36 और 48 का लसा जो कितना होगा? 144 होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 9999 होगा। बस उसको क्या करना है, 144 से भागा दे देना 9999 में, एक बार 5 बार दे तो 864, ये होगा 1359 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कितने बार में? 9 बार 5 नहीं है, 6 बार में लगे तब 864 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1296, तो ये हो जाएगा 63। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 36 और 48 से विभाज्य है उसमें से जो हमारे पास ये 63 है ये घटा देना है। यानी 9999 में से क्या करना है, 63 घटा देना है, 9936 हो जाएगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 36 और 48 से विभाज्य है, 7 × 144 1008, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हो जाएगा 9936 - 1000 जो है क्या होगा, 1008 घटा देना है, तो 8928 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अमीर बेला दीपा फरहीन हीरा और ग्रीस एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ग्रीस दीपा के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर हम ग्रीस को बैठा रहे हैं तो हमें दीपा को कहाँ बैठाना होगा, यहाँ बैठाना होगा। इस तरह के आप बना लीजिए, यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीपा हो जाएगा।
उसके बाद होगा फरहीन ग्रीस के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है, यानी यहां पर जो होगा वो फरहीन होगा। बेला फरहीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, यहां पर कौन बैठ जाएगी तो बेला होगा। हीरा दीपा का निकटतम पड़ोसी है, यानी यहां पर हीरा हो जाएगा, तो यहां बच गई कौन, वो है अबीर। तो आंसर हो जाएगा नवासिका, वो हो जाएगा सी अबीर। पूछ रहा है कि बेला के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अबीर। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नानुसार अगर चिन्ह बदलेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3 × 5 − 8 + 505 / 5। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 108। निम्न में कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। कौन है, टेस्टोस्टेरोन। अगला है निम्न में कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विभाज्योत्तक उत्तक। कौन है, विभाज्योत्तक उत्तक। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रियोल। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, सही जवाब है ऑप्शन बी अनुवंशिक रोग का, अनुवंशिक रोग का। इनमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हीफेरिन निम्न में किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, आंसर हो जाएगा सी बैसोफिल के द्वारा। कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B1। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मलद्वार। मुख गुहिका मानव के किस तंत्र का एक हिस्सा है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाचन का। रक्त स्कंदन निम्न में किसकी मदद से होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट कणिकाओं के। रक्त स्कंदन प्लेटलेट कणिकाओं के मदद से होता है। यह था बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म Volume 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट का फुल डिटेल सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।